स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे केजेड क्रीम के बारे में, जो एक तरह का एंटी फंगल क्रीम है जिसका इस्तेमाल करके आप अपने सीवियर से सीवियर जो फंगल इन्फेक्शन होते हैं, जैसे कि दाद, खाज, खुजली, एक्जिमा वगैरह होते हैं, उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इसकी कंप्लीट जानकारी प्रोवाइड कराऊंगा, इसकी सही और सटीक जानकारी दूंगा, कैसे आप इसका यूज़ कर सकते हैं, इसके यूज़ से क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और इसके इस्तेमाल से क्या फ़ायदे होते हैं और कितने दिनों तक आपको इसको यूज़ करना होता है। दोस्तों, केजेड एक एंटीफंगल क्रीम है जिसमें केटेकोनाजोल 2% का यूज़ किया गया है, जो एक मेडिसिनल सब्सटेंस होता है। इसको डॉक्टर्स के द्वारा जो फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं स्किन में, जैसे कि दाद, खाज, खुजली, एक्जिमा वगैरह हो जाते हैं, सोराइसिस वगैरह जो हो जाती है, उसके ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। जहाँ तक इसके पैकेजिंग और प्राइसिंग की बात है, तो ये जो क्रीम है हमें 30 ग्राम के पैक में उपलब्ध कराया जाता है और इसकी जो MRP होती है 209 रुपये होती है। और इसको आप अपने आसपास के मेडिकल स्टोर से परचेज कर सकते हैं, नहीं तो आपको ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है, वहाँ से परचेज करके आप इसको ला सकते हैं, अपने घर पर मंगा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इसको यूज़ करने के तरीके के बारे में बता देता हूँ कि किस तरह से आपको इसका यूज़ करना होता है। तो जहाँ भी आपको फंगल इन्फेक्शन है वहाँ पे इसको अप्लाई करना होता है, दिन में 2 बार इसका आपको यूज़ करना होता है। इस तरीके से जब तक आपको इसकी ज़रूरत हो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ तक इसके बेनिफिट्स की बात है, तो इसका बहुत ही जल्दी रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है। पहले दिन के इस्तेमाल से ही इसका फ़ायदा आपको दिखने लग जाता है। ये आपके जो फंगल है, जो दाद, खाज, खुजली की प्रॉब्लम है, उसको पहले दिन से ही ठीक करना स्टार्ट कर देता है। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि इस क्रीम के इस्तेमाल से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो अगर आपके स्किन ज़्यादा ही सेंसिटिव है तो इसको इस्तेमाल करने से पहले एक पैच टेस्ट आपको जरूर कर लेना चाहिए। इसको कभी भी कटे जले स्थान पर नहीं लगाना चाहिए और लगाने के बाद, अप्लाई करने के बाद अपने हाथों को जरूर धो लेना चाहिए। वैसे तो किसी भी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट्स देखने को नहीं मिलता है नॉर्मली, लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट वुमेन हैं तो इसका इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। अगर आपको लगाए गए स्थान पे ज़्यादा तेज जलन हो रही है, दर्द हो रहा है, इचिंग हो रही है, तो इसको आपको तुरंत साफ कर लेना चाहिए। इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल दिन में 2 बार कर सकते हैं और अपने जो फंगल इन्फेक्शन है उसको दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की दी गई जानकारी आपके लिए जरूर फायदेमंद साबित रहेगी। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में नई जानकारियों के साथ। तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।